न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गरीब लकड़हारे की, जो जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियों को चुनकर अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन वही लकड़हारा बलिराम पटवारी 28 तारीख को दोन नहर में मृत मिला, जिसके शव को 27 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों की माने तो उस गरीब की हत्या वन कर्मियों ने लाठियों से पिट पिट कर दी और शव को ठिकाने लगाने की नियत से नहर में फेंक दिया था। वहीं इस मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी के आवेदन पर रेंजर सुनील पाठक पर गोनाहा थाना में कांड संख्या 43/20 हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना पर बातचीत कर रहे हैं रिपोर्टर धर्मजीत की। मृत्यु हुई है 28 तारीख को। जो ग्रामीणों का कहना है कि उनको जो है वन कर्मियों के द्वारा पीट कर और जान से मारकर नहर में फेंक दी गई थी, तो कितनी सच्चाई है और आपके पास क्या रिपोर्ट है, थोड़ा सा गढ़वाल जी आप बताएं। ऐसा है, ये घटना 28 तारीख की है, 28 तारीख की है, सवेरे की घटना है। ये लोग पतली पतली लकड़ी, जो जलावन वाली जो लकड़ी होती है, वो लेके जा रहे थे। पता नहीं वनकर्मी वो क्या लगा, कैसा गुनाह कर दिए। और जैसा कि लोगों से बात हुई, वहाँ के ग्रामीण से बात हुई और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इसके, उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये डूब के नहीं मरे हैं, इनकी हत्या की गई। और जहाँ तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है उसमें ये क्लियर हो जाएगा जो भी है। लेकिन जैसा लाश देखा और जो पहला जो नज़रिया होता है लाश का, मुंह से खून आ रहा था, कान के पास चोट लगा हुआ है, सर पे चोट है, तो ये तो मार के उनको कहीं ना कहीं मैंने इसमें फेंका गया है, ये जांच का विषय है। और जहां तक ये है कि वन अधिकारियों को मारने का अधिकार कहां से है, आज अंग्रेज चले गए, ये लाठी बरसा रहे हैं, इनको किसने अधिकार दिया कि गरीब जनता को दौड़ा दौड़ा के मारे और उसके बाद लाश को कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। एक दिन के बाद 28 तारीख की सवेरे की घटना है और 29 को करीब 1:30 या 2 बजे के लगभग SDRF की टीम के द्वारा लाश खोजा गया, तब जाके लाश मिलता है, उसके बाद पोस्टमार्टम पे लाश जाता है। अब रिपोर्ट क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन जहां जो देख के लगा इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, उसकी हत्या हुई है और उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए। उस मामले में केस दर्ज हुआ है क्या? सुना है कि उनके परिवार द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा दरखास्त दिया गया है, लेकिन जो भी हो इसमें अगर दोषी हैं, अगर वनकर्मी, तो हम ये मांग करते हैं कि 7 दिन के अंदर अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल जी।